गाइज आज हम जानते हैं डाइजेशन प्रोसेस को एक 3D एनिमेशन के जरिए कि हमारा फूड स्टोमक में डाइजेस्ट कैसे होता है। सबसे पहले खाना हमारे मुंह से होते हुए फूड पाइप में आता है, इसके बाद हमारे स्टोमक में पहुंचता है। यहाँ पर डिफरेंट टाइप के एसिड्स होते हैं जो कि खाने को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, और 4 से 5 घंटे के प्रोसेस के बाद सारा फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है। अब यहाँ पहुंचने के बाद खाने में जितने भी न्यूट्रिशंस होते हैं वो खाने से अलग होकर ब्लड में मिक्स हो जाते हैं, जिसे हमें काम करने की एनर्जी मिलती है। इसके बाद सारा फूड लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है, और यहाँ पर फूड में जितना भी पानी होता है उस सबको सोख लिया जाता है, और बाकी के न्यूट्रिशंस जो फूड में बच जाते हैं उन सबको भी सोख लिया जाता है, और फाइनली फूड वेस्टेज में कन्वर्ट हो जाता है जो कि NS के जरिए बॉडी से बाहर निकल आता है। और इस प्रोसेस को होने में करीब 30 से 40 घंटे का समय लगता है।